बहनों, मंजू की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये गणपति जी के प्रसिद्ध भोग है, यानी कि मोदक। मोदक गणपति जी को बहुत पसंद होते हैं, हमने भी गणपति जी बैठा ले हैं, इसलिए हम मोदक बनाने जा रहे हैं। घर के ही बनाए मोदक का भोग लगाएंगे। वैसे तो ये महाराष्ट्र का है, लेकिन महाराष्ट्र की ही डिश है, और लेकिन हम यहाँ भी हम लोग बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, हम आज बेसन के मोदक बनाएंगे, फिर हम आपको रवा के भी मोदक बना के दिखाएंगे। पहले हम बेसन के बना रहे हैं। बेसन इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, जैसे बेसन घी देसी, और ये हमने अंदर भरने के लिए हमने लिया है गरी का बुरादा है, गुड़ है, इलायची पाउडर है, अंदर भरने के लिए भरावन बनाएंगे पिट्ठी जो है, और ये हैं काजू हैं, किशमिश हैं, बादाम हैं। आप जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और बनाते कैसे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप गैस के पास चलते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, एक दो, घी थोड़ा सा पड़ेगा इसमें क्योंकि बेसन सोख लेगा, इसलिए 4 चम्मच हमने देसी घी डाला है। देखिए मोदक तो कई तरह से बनते हैं, जैसे रवा के भी बनते हैं, चावल के आटे के भी बनते हैं। आजकल जाने कितनी प्रकार के मोदक बन रहे हैं। देखिए अभी फ़िलहाल हम बेसन के बनाने जा रहे हैं, वही आपको दिखाएंगे। इसमें हमने गैस जला दी है, अब घी गर्म हो रहा है। इसमें हम डालने जा रहे हैं बेसन, और गैस को स्लो कर लेते हैं, धीमी आंच पर भी इसको भूनेंगे। बेसन को एक कटोरी बेसन लिया हमने, धीमी आंच पर इसको हम भूनते रहेंगे। कम से कम इसमें हमें 7-8 मिनट, आराम से 10 मिनट लग सकता है भूनने में, क्योंकि तेज़ आंच करेंगे तो बेसन जल जाएगा। हम धीमे धीमे भूनेंगे, इसमें सुगंध आने लगेगी तभी हम इसको छोड़ेंगे। इसी तरह चलाते रहेंगे बारीकी से, इस तरह से इसके गुठले भी फूटते जाएंगे, घी पिघल जाएगा। ये देखिए बेसन हमारा भुन रहा है। इसको 8 मिनट करीब हो गए हमको पकाते हुए, धीमी आंच पर, बिल्कुल मध्य आंच पर। इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया, खुशबू भी आने लगी है अब इसमें। अब इसको हम शक्कर डालेंगे। इसमें हमने पिसी हुई शक्कर डाल रहे हैं अंदाज से, जितना कि हमारा मीठा हो जाए बेसन उसी तरह से डालेंगे। अब इसको बराबर हम धीमी आंच पर ही चलाते रहेंगे। तो इसको गीला करने के लिए हम मलाई वाला दूध है ये, हम 1/2 कप वो ऐड करेंगे, जिससे कि गीला हो जाए ये और फूल जाएगा बेसन और शुगर भी मिल जाएगी हमारी। इसको इसी तरह चलाते रहेंगे बराबर। शक्कर मिल जाएगी इसमें बिल्कुल, इसी तरह बराबर चलाते रहेंगे इसको गाढ़ा होने तक। देखिए ये एकदम कढ़ाई में छूटने लगा है कढ़ाई से। अब गैस को हम बंद कर देंगे। और इसको एक बर्तन में प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया है घी थोड़ा सा। अब इसमें हम गरी डाल देंगे भुनने के लिए, थोड़ा सा गरी को रोस्ट करके। ये भरने के लिए हम बना रहे हैं, अंदर भरने के लिए। अब इसी में हम गुड़ डाल दे रहे हैं,
ये देखिए भुन गई हमारी अच्छे से गरी, कच्चापन पूरा निकल चुका है, कलर चेंज हो गया है इसका। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे और गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। इसमें ये गुड़ पिघल चुका है, अब ये ड्राई फ्रूट हम डाल दे रहे हैं इसमें पूरा, ये भी मिला देंगे डाल करके, ड्राई फ्रूट पूरा जो कि हमने पीस लिया था, पाउडर डाल दिया हमने। अब इसको गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे हम। ये हमारी अंदर भरावन के लिए तैयार हो गया। ये देखिए बहनों, बेसन के मोदक हमारे घर के बनाए हुए और बिना सांचे के हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, कोई इसमें वो कमी नहीं लग रही जहाँ तक है। और आप इसको हम एक एक मोदक को काट के दिखाते हैं अंदर से ये कैसे लग रहे हैं, इस तरह से इसका शेप कैसा है अंदर से ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर, ये देखिए ये अंदर से ये इस तरह का है, आपको देख करके समझ रही होगी कैसे किस तरह से बना होगा ये, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, अंदर से खाने में कितना टेस्टी होगा। अभी हम भोग लगा करके खा के टेस्ट करके बताएंगे आपको कितना अच्छा है। देखिए टेस्ट खाने में देखने में भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सांचे से ही बनाएं, हम बिना सांचे के भी मोदक अच्छे बन जाते हैं बिना सांचे के, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इस तरह से बना करके देखिए। और अगर पहली बार चैनल पर हमारे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।